लोग प्रमोट कर सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकते हैं और दूसरा भी नेचुरल फार्मिंग जो है वो नेशन वाइड उस पर अभी काम चल रहा है। और जो सॉयल है, सॉयल की क्वालिटी देखेंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, तो यदि एकदम झील के पास का जो एरिया है उसको, मतलब हम लोग ये देख लें कि झील के एक किलोमीटर या दो किलोमीटर के सराउंडिंग का जो भी हमारा फार्मर्स का फील्ड आ रहा है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली नेचुरल फार्मिंग करें, मतलब सीड ट्रीटमेंट जो है वो जो बीजामृत बताते हैं डॉक्टर साहब हैं, गाय है यहाँ पे, और नेचुरल फार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि एक गाय जो है उससे 30 एकड़ में खेती हो सकती है, मतलब बाहर से कुछ देना ही नहीं है। और बेसिकली नेचुरल फार्मिंग जो है ना वो माइक्रोबियल फार्मिंग है, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो बीजामृत है वो, उसके बाद जीवामृत, घन जीवामृत, और जो आपके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए है तो उसके लिए भी बहुत सारे जो है उसमें नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारे फॉर्मुलेशन है जो कि किसान अपने इससे कर सकते हैं। तो झील के एक किलोमीटर का सराउंडिंग जो हमारा फील्ड है, एक बार तो सबसे पहले उसका सॉइल का जो है वो हम लोग देख लें एग्जैक्ट, मतलब सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पे कि उसमें जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या स्टेटस है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, और एक किलोमीटर का जो दायरा है उसमें नेचुरल फार्मिंग, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये करें, तो इस तरीके से। और जो क्रॉप है तो जैसे इस एरिया में तो रवि सीजन में इवन समर में हम लोगों ने भी एक बार जो है समर में ग्रीन ग्राम जो है ये पास वाला जो गांव है वहां पे हम लोगों ने काम किया था, एक संस्था काम कर रही थी एनवायरमेंटल सोसाइटी उसी के इससे। तो इस तरीके से सर जो मतलब क्रॉप इकोलॉजी है उसको देखते हुए, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आपने, और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि वही होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि आप राइस छोड़ दो, राइस छोड़ देंगे तो खरीफ में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइस में हम लोग कैसे इसको नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, और जो विजुअली देख रहे हैं हम लोग सॉइल को तो सॉइल एकदम फर्टाइल है। अभी सर के साथ हम लोग जहाँ पे खड़े थे वहाँ की जो मिट्टी है उसमें अवेलेबल न्यूट्रिएंट 100% जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा देना नहीं है, क्योंकि जब आप ना वो केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो झील तो हमारा लो इसमें है, हाई रेनफॉल जोन है, और वो जो भी पेस्टिसाइड है जो भी फर्टिलाइजर्स है वो अल्टीमेटली झील में जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि बहुत सारे फार्मर्स हैं बहुत अच्छी खेती करते हैं और वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ना तो नेचुरल फार्मिंग में जाएंगे और ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे, तो उनको हमको मोटिवेट करना है कि अभी जैसे वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल है, और उसमें क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप का उतना ही हम उसको वाटर सॉल्युबल के इससे दे रहे हैं। इवन नैनो पार्टिकल्स जो है वो अभी यूज हो रहे हैं, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी पे काम हो रहा है कि जिसका रिक्वायरमेंट कम है और उसका वेस्टेज नहीं है, मतलब वो मिट्टी में जा ही नहीं रहा है, जब नाइट्रोजन और फास्फेट मिट्टी में जा नहीं रहा तो फिर वो फिर बारिश के पानी के साथ झील में कैसे जाएगा। तो ये एक मेरा हमको लगता है कि हम लोग इस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं बहुत सारी बातें मैं